किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ज्यादा पोषण देने वाली गेहूं की वैरायटी की। जी हाँ, इसका नाम है पोषण, यानी HI8663। यह एक बायोफोर्टिफाइड किस्म है, यानी इसमें पोषक तत्व अलग से नहीं डले हैं। प्राकृतिक रूप से यह वैरायटी ज़्यादा पोषक तत्वों को अपने अंदर समा लेती है। इसमें सबसे ज़्यादा हाई और स्टेबल बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि 6.5 PPM है, यानी दुनिया की किसी बायोफोर्टिफाइड किस्म में अधिक इसमें बीटा कैरोटीन है। इसके अलावा 11.6% इसमें प्रोटीन है, जो कि अन्य वैरायटीज से अधिक है। इसके साथ साथ इसमें बहुत अधिक मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, इसलिए भारत सरकार ने इसको न्यूट्री फार्म योजना में शामिल किया है। पोषण एक कठिया या मालवी गेहूं की किस्म है, यानी यह ड्यूरम गेहूं की किस्म है। इस किस्म की बुआई 10 से 25 नवंबर तक की जा सकती है और इससे 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर वैज्ञानिक फार्मों पर उपज प्राप्त हुई है, लेकिन फील्ड लेवल पर किसानों द्वारा 81 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी उपज ली गई है। इसकी बीज दर साधारण किस्मों की तरह ही है और इसे 3 से 4 सिंचाई में आसानी से पैदा किया जा सकता है, यानी कम पानी में ये किस्म हो जाती है। इस फसल की अवधि 120 से 125 दिन की है। इसके लिए बीज दर जो है सामान्य किस्मों की 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो बीज दर होती है, उसी तरह की बीज दर लगती है। अगर इसको फर्टिलाइजर डोज की बात करें तो नाइट्रोजन 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तो ये कम पानी में बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली और एक पौष्टिक किस्म है। इसका उपयोग दलिया, सूजी, पास्ता और रोटी बनाने में किया जा सकता है।